नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा देव नारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय एवं वित्त पोषित महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से एवं विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापिकाओं से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना 2020 से 2021 के ऑनलाइन आवेदन एवं नियमों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना हेतु विज्ञप्ति का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 15 जनवरी 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन। देव नारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय एवं वित्त पोषित महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से एवं विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना अंतर्गत राजस्थान स्थित राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापिकाओं से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र उनके सम्मुख अंकित वर्षों के लिए विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नुसार रहेगा। छात्रवृत्ति का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2020 से 2021। पोर्टल प्रारंभ तिथि है 18 जनवरी 2021 18 जनवरी 2021। पोर्टल बंद की अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2021। अर्थार्थम 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना वर्ष 2020 से 2021। पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक। अर्थार्थम विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के अंतर्गत 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा छात्रा अध्यापिका अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश नियम एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजनाओं से संबंधित नियम दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें। जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो यहाँ पर
ऑनलाइन आवेदन हेतु जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। डेट्स के संदर्भ में हमने यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा की, अब बात करेंगे हम दिशा निर्देशों के संदर्भ में। दिशा निर्देशों के लिए हमें देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं मुख्यमंत्री विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, मेधावी छात्र स्कूटी योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना नियम 2020 के संदर्भ में हम पूर्व वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इनके संबंध में जानकारी ले सकेंगे। अब बात करेंगे हम देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि योजना के दिशा निर्देशों के संदर्भ में एवं किस किस विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकेगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। पंद्रह जनवरी 2021 को अपडेशन किया गया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, नाम एवं प्रभावित क्षेत्र। इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा। यह नियम राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुज्जर सहित पांच जातियों यथा बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गाडरी, गायरी पर लागू होगा। तो पहला ये जो नियम है इसका हमें ध्यान रखना होगा, यह नियम राज्य में पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग गुज्जर सहित पांच जातियां, फर्स्ट जाति है बंजारा, बाल्दिया, लबाना, दूसरी जाति है गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, तीसरी जाति है गुज्जर, गुर्जर, रायका, चौथी जाति है रायका, रेबारी, देवासी, पांचवी जाति है गडरिया, गाडरी, गायरी पर लागू होगा। यह नियम संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे। यह नियम वर्ष 2020 से 2021 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा। योजना का उद्देश्य राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुज्जर सहित पांच जातियों यथा बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गाडरी, गायरी की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत दे लाभ स्कूटी वितरण। राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1500 मात्र स्कूटी स्वीकृति कर निःशुल्क वितरित की जाएगी। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया कितनी परसेंट है, 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों अथवा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष
में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची तैयार कर स्वीकृत की जाएगी। तो 12वीं कक्षा में 50% से ऊपर वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उसके बेस पर 1500 जो स्कूटी है उसका वितरण किया जाएगा। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण या सही प्राप्त नहीं होते हैं तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी। स्कूटी वितरण के साथ 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल एक बार ही तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन वे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए। अब बात करेंगे हम प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में। राजस्थान मूल कि विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं उनके द्वारा 12वीं सीनियर सेकेंडरी जो छात्राएं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पीजी डिग्री प्रवेश वर्ष में 20,000 रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000 वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में जानकारी दी गई है। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा जो देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना या अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ दे नहीं होगा, यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी। पात्रता निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ दे होगा। नंबर फर्स्ट, योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय अथवा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के विभागों कृषि विश्वविद्यालयों कृषि महाविद्यालयों संस्कृत विश्वविद्यालयों संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं। तो सबसे पहली जो पात्रता निर्धारित की गई है, योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के विभागों कृषि विश्वविद्यालयों कृषि महाविद्यालयों संस्कृत विश्वविद्यालयों या संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं। दूसरी जो पात्रता है, छात्रा के माता पिता अभिभावक संरक्षक पति की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए। तीसरी जो पात्रता है, योजना का लाभ अविवाहित विवाहित विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को दे होगा। नंबर 4 पात्रता है, जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही हो उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी या प्रोत्साहन राशि दे नहीं है। 5वीं जो क्वालिफिकेशन है, 12वीं सीनियर सेकेंडरी तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंतराल या गैप होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 12वीं कक्षा तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में
स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा, यानी नियमित रूप से अध्ययनरत हो और लगातार अध्ययनरत होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र या दस्तावेज के संदर्भ में। नंबर वन है राज्य के महाविद्यालय अथवा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा, रसीद की स्व प्रमाणित प्रति। नंबर टू, गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति। नंबर तीन, मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो कि स्व प्रमाणित प्रति। नंबर फोर, जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछड़े वर्ग का जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो कि स्व प्रमाणित प्रति। नंबर फाइव, छात्रा के माता पिता, पति, अभिभावक, संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता पिता नहीं होने या पति नहीं होने या परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक या संरक्षक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। नंबर सिक्स, छात्रा के राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता पासबुक की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो। नंबर सेवन, आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। नंबर आठ, जन आधार कार्ड बना हुआ हो, बिना जन आधार कार्ड आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जा सकेगा। इस आशय का शपथ पत्र की लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संदर्भ में हमने जानकारी ली। आवेदन की प्रक्रिया, राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा सकेगा। प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन करेंगे। तत्पश्चात जिला नोडल अधिकारी समस्त दस्तावेज वर्णित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन पश्चात आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे। राज्य में पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगी। यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त योग्य होगा। तो यहाँ पर इसका भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त योग्य होगा। यानी हमें किसी एक योजना के अंतर्गत यहाँ लाभ लेना होगा। भुगतान की प्रक्रिया, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर में जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच कर राज्य की महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरीयता सूची बनाकर प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरीयता सूची बनाकर प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में
नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जाएगी। आय प्रमाण पत्र की प्रयोजनार्थ आई परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता पिता, अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति या स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक या अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को निम्नांकित बिंदु अनुरूप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। नंबर 1 वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 16 नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आज से वेतन एवं समस्त भत्तों से है। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनके बोर्ड, कॉरपोरेशन, बैंक, LIC कंपनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित हैं। पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे, साथ ही पेंशन एवं महंगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। अन्य स्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शाई जानी चाहिए। वेतन या पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के संदर्भ में जानकारी दी गई है। नियमों का विनिर्णयन। इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जाएगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जांच उपरांत महाविद्यालय, जिला नोडल अधिकारी, आयुक्तालय पाई गई कमी की पूर्ति की गई अवधि में छात्रा द्वारा नहीं करने पर आवेदन निरस्त होगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित छात्रा या अभिभावक का होगा। छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक विक्रय या बेचान नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से हमने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के संदर्भ में जानकारी ली। अब बात करेंगे हम विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 15 जनवरी 2021 को अपडेशन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना निम्नानुसार जारी की जाती है। योजना का उद्देश्य, इस योजना का यह उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाए। योजना का प्रारंभ, यह योजना संशोधन उपरांत शैक्षणिक सत्र 2015 से 2016 से लागू है। योजना हेतु पात्रता, योजना का लाभ उन विधवा एवं परित्यक्ता बीएड परीक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने नंबर 1 वर्ष 2020 से 2021 में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्रा अध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी। जिन विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बीएड की योग्यता अर्जित कर ली है, वे महिलाएं इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगी। सेकंड, जो पात्रता निर्धारित की गई है, आवेदन के साथ विधवा परीक्षणार्थियों होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रति एवं परित्यक्ता छात्रा अध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय अथवा काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति या डिग्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावे। समझौता आधार पर दिए गए तलाक मान्य नहीं होंगे। सक्षम काजी के द्वारा दिए गए तलाकनामे के साथ समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण पत्र संलग्न किए जावे। नंबर 3, दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र
प्रस्तुत किया जावे जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। नंबर फर्स्ट, छात्र अध्यापिका का नाम, विधवा अथवा तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम, स्वयं की एवं पति दोनों के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेखित किया जावे। विधवा होने की स्थिति में पति के निधन की तिथि या परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय, अधिकृत काजी द्वारा जारी या तलाकनामा में डिग्री की तिथि भी स्पष्ट अंकित करें। दोनों ही स्थिति में पुनर्विवाह नहीं किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। राजकीय एवं निजी बीएड महाविद्यालय हेतु दिशा निर्देश। पात्र विधवा अथवा परित्यक्ता छात्र अध्यापिकाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से उनकी हर संभव मदद की जावे। आवेदक छात्र अध्यापिका की संबंधित महाविद्यालय में 75% उपस्थिति होनी अनिवार्य है। साथ ही यदि आवेदन पश्चात किसी छात्र अध्यापिका द्वारा महाविद्यालय छोड़ दिया है तो इसकी सूचना अविलंब आयुक्तालय को प्रेषित की जावे। अन्यथा होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। जिन छात्र अध्यापिकाओं को अन्य छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता मिल रही हो उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दे नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र 2020 से 2021 में राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो पात्र है। वर्ष 2020 से 2021 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र अध्यापिकाएं एवं 2019 से 2020 में जो छात्र अध्यापिकाएं प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरांत 2020 से 2021 द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विधवा अथवा परित्यक्ता योजना अंतर्गत पात्र हैं, उक्त विधवा परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभी प्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन फॉरवर्ड किया जाएगा। इस प्रकार बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथासमय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की जाँच एवं अभिप्रमाणित करने के उपरांत अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को ऑनलाइन निर्धारित तिथि तक फॉरवर्ड किया जाएगा। नोट, जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया, बीएड की योग्यता अर्जित कर ली है, वे महिलाएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिशा निर्देश भलीभांति पूर्व पढ़कर भरे। किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त होगा जो छात्र अध्यापिका स्वयं तो छात्र अध्यापिकाएं स्वयं उत्तरदायी होंगी। तो यहाँ पर विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना से संबंधित तथ्यों के बारे में हमने यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा की। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप्स ऑफ फिलिंग ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म पर क्लिक किया जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया के संदर्भ में बताया गया है कि किस तरह से हम आवेदन कर सकेंगे। SSO ID के माध्यम से हमें आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके संदर्भ में भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसका अवलोकन अवश्य करें। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का वीडियो हमने पूर्व में बना रखा है, तो उसका भी आप अवलोकन अवश्य करें। तो इस तरह से हम आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पूर्व महाविद्यालय से संपर्क अवश्य करें। इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहां से डाउनलोड करेंगे। एफिडेविट रिगार्डिंग नॉट अवेलिंग अदर स्कॉलरशिप को हम यहां से डाउनलोड कर सकेंगे। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा।
क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आई घोषणा पत्र, इसे हमें फिल करना होगा। जो भी इसमें मांगा गया है इसी तरह से शपथ पत्र को हम यहां से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए हमें, यदि एसएसओ पर पहली बार काम कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करना होगा, एसएसओ आईडी बनानी होगी। यदि आप एसएसओ पर पहले से पंजीकृत हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, लॉगिन होकर हम एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वीडियो हमने बना रखा है, उस वीडियो का आप अवलोकन अवश्य करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रकार की क्यूरी प्रश्न होने की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।